नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानेंगे पपीता एवं पपीते के बीज के अद्भुत गुणों के बारे में। पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर के सामने कुछ जमीन है तो आप इसका पेड़ भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चा होने पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसका छिलका बेहद मुलायम होता है जो आसानी से उतारा जाता है। इसे काटने पर इसके भीतर कई छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पपीते एवं पपीते के बीज के फायदों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पपीते के फायदों के बारे में। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक। पपीते में उच्च मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही ये विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। अपने इन्हीं गुणों के चलते ये कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफी असरदार है। वजन घटाने में एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है। ऐसे में अगर आप वजन घटाने की बात सोच रहे हैं तो अपनी डाइट में पपीते को जरूर शामिल करें। इसमें मौजूद फाइबर्स वजन घटाने में मददगार होते हैं। रोग प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में। रोग प्रतिरक्षा क्षमता अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहती हैं। पपीता आपके शरीर के लिए आवश्यक विटामिन सी की मांग को पूरा करता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मात्रा में पपीता खाते हैं तो आपके बीमार होने की आशंका कम हो जाएगी। आंखों की रोशनी बढ़ाने में पपीते में विटामिन सी तो भरपूर होता है, साथ ही विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा भी होती है। विटामिन ए आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारगर है। पाचन तंत्र को सक्रिय करने में पपीते के सेवन से पाचन तंत्र भी सक्रिय रहता है। पपीते में कई पाचक एंजाइम्स होते हैं, साथ ही इसमें कई डाइट्री फाइबर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से पाचन क्रिया सही रहती है। पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान दर्द की शिकायत होती है उन्हें पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीते के सेवन से एक ओर जहां पीरियड साइकिल नियमित रहता है वहीं दर्द में भी आराम मिलता है। कम ही लोगों को पता होगा कि पपीते के बीज भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। पपीते के बीज को खाने के लिए आप चाहें तो इनको सुखाकर पीस सकते हैं। पपीते में पर्याप्त मात्रा में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इससे शारीरिक क्रियाएं तो बेहतर रहती ही है, साथ ही अतिरिक्त चर्बी भी जमने नहीं पाती। पपीते के बीजों के सेवन से शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पपीते के बीज खाने के फायदे। लीवर से जुड़ी समस्याएं। पपीते के बीज लीवर के लिए बेहतरीन होते हैं। ये लीवर सिरोसिस में काफी फायदेमंद होता है। आप चाहें तो इसे नींबू के रस के साथ ले सकते हैं। सुबह खाली पेट इसके बीज के सेवन से काफी फायदा होता है। जलन होने या सूजन में। अगर आपको त्वचा जलन हो रही है तो भी आप पपीते के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर के किसी अंग में सूजन हो तो भी पपीते के बीजों का इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। वायरल बुखार होने पर अगर आप प्रतिदिन पपीते के बीजों का सेवन करते हैं तो आपको वायरल बुखार होने की आशंका कम हो जाती है। ये बीज एंटीवायरल एजेंट की तरह काम करते हैं, साथ ही यह संक्रामक बीमारियों में भी एक कारगर उपाय है। कैंसर में भी कारगर।
कैंसर के बचाव के लिए पपीते के बीजों का सेवन करना फायदेमंद रहता। इन बीजों में आइसोथायोसाइनेट नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कैंसर के इलाज और बचाव में बहुत कारगर होता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं को पपीते के बीज खाने से परहेज करना चाहिए, इससे गर्भपात होने का खतरा रहता है। इसके अलावा बहुत छोटे बच्चों को भी इसे खाने से परहेज करना चाहिए। पपीते के बीजों का सेवन करने के दौरान इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि इसकी मात्रा संतुलित हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं।